चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करो। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस कंपाउंड ऑन एनालिसिस कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डेटा। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा वो 54.54%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 9.09%, परसेंटेज ऑफ ओ 36.36%। है ना, आगे लिखना। इफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 88, देन फाइंड एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये रहेगा, ठीक है। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी स्टार्ट ही किया है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। तो ये तो क्वेश्चन है आपका, है ना। इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन से, ठीक है। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, नोट कीजिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा, नोट हो गया सब लोगों का, है ना। ये डेटा आपके सामने है। तो एक वो टेबल के फॉर्म में कभी काम किया करते थे हम लोग, उस पर थोड़ा सा एक काम कर ले, वो मेथड भी आपको सिखा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। वो मेथड क्या था देख लो। तो एलिमेंट क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट थे, ठीक है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में क्या होगा, 54.54, 9.06, 36.36, ये एक आता है कॉलम। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं रिलेटिव मोल्स, है ना। जो है ना, हम लोग जो है ना वो मोल्स निकालते हैं, पहले तो रिलेटिव मोल्स नहीं, पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे, है ना। मोल्स कैसे आएगा, W बाई ए से आ जाएगा। ये सारे के सारे जो है ना मासेज है, इनको ग्राम में मान लीजिए, है ना, ग्राम में मान लो, है ना, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, यहां पर इनको ग्राम में मान लो और इनमें क्या करो, 54.54 को एटॉमिक मास से डिवाइड करो 12 से, यू विल गेट द मोल्स। 9.09 को अगर आप क्या करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द मोल्स। 36.36 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मोल्स आते हैं। और यहां पे अगर ये आएगा 4.53 आएगा, ये तो 9.09 ही आना चाहिए, और ये जो आएगा ये आएगा 2.27 आएगा। ये सारे क्या निकल के आ गए, ये मोल्स निकल के आ गए। या तो टॉपिक आप या ये तो या यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे मोल्स आ गए तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोल का रेशियो ही किसका रेशियो होता है, मोल का रेशियो ही किसका रेशियो होता है, बोलो।
हाँ बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया। मोल्स का रेशियो ही किसका रेशियो होता है बोलो, एटम के नंबर का रेशियो होता है। तो अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और वो है रिलेटिव मोल्स। तो रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये तो क्या होगा, ये जो है ना, ये तो नंबर ऑफ मोल्स इंडिपेंडेंट है, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। अब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना, दैट को रिलेटिव कहलाता है, रिलेटिव, है ना, रिलेटिव मोल्स निकालेंगे। तो रिलेटिव मोल्स कैसे निकलेंगे, तो रिलेटिव मोल्स निकालने का तरीका यह है कि जो सबसे छोटा वाला मोल होगा वो आप बाकियों में डिवाइड कर दीजिए। तो 4.53 में क्या करें, 2.27 को डिवाइड कर दो, 9.09 को 2.27 में डिवाइड कर दो, और 2.27 में 2.27 को डिवाइड कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। तो ये लगभग लगभग पहुंच रहा है, 2 पहुंच रहा है, ये जो है ना वो 4 पहुंच रहा है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 1 पहुंच रहा है। अब लेट से यहां पे 2 ना होकर 2.5 होता, मान लो ऐसे 2 ना होकर 2.5 होता, तो हम लोग एक कॉलम और बनाते और कहते होल नंबर में लाना है हमको रेशियो। तो हम क्या करते, इस 2.5 को 5 बनाने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हो, सबको 2 मल्टीप्लाई करना होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। से बात समझ आ रही है। इस तरीके मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, जानबूझ के सिंपल लिया कि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, मुझे मेरी बात बतानी, बाकी आप लोग करेंगे जब प्रैक्टिस वगैरह तो अपने आप ही कर लेना, हो जाएगा आपसे, कर लोगे, है ना। कुछ लोगों को आता भी होगा पहले से, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका होता है, ठीक है। मैं 0.5 को हटा दे रहा हूं। ये वाले मोल्स का जो मीनिंग है वो समझ लो, ये जो 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये क्या समझा रहा है, ये आपको क्या फिजिकली मीनिंग बता रहा है, ये बता रहा है कि जब ऑक्सीजन एटम का 1 मोल होगा, समझना, जब ऑक्सीजन एटम का 1 मोल होगा तो एच एटम का 4 मोल होगा और सी एटम का 2 मोल होगा। ये दैट कॉल रिलेटिवनेस, दैट कॉल रिलेटिवनेस, है ना, ठीक है, ठीक है। मैं कौन सा, कोई नया स्टूडेंट है शायद, कह रहा है कि सर मैं अभी नया आया हूं, कौन सा टॉपिक, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ बेटा, परसेंटेज कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ, इंपेरिकल फॉर्मूले एंड मॉलिकुलर फॉर्मूले, है ना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, है ना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो इसको, इंपेरिकल फॉर्मूले एंड मॉलिकुलर फॉर्मूले, तो फ्रेम सही कर दो इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अभी क्या होगा इसमें, अभी तक जो तुमको मिलेगा वो तुमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मेथड है दैट कॉल इंपेरिकल फॉर्मूला देगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, वो कार्बन के कितना 2 हो जाएंगे, C2, H का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, O कितना हो जाएगा बोलो, वो 1 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आप क्या करना, फिर आप निकालना इंपेरिकल इंपेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना। वो कैसे आएगा, 2 कार्बन है तो 2 × 12, 4 एच एटम है 4 × 1, 1 ओ एटम है तो 16 हो जाएगा, ऐसे तो 24 प्लस क्या हो जाएगा, 24 प्लस 4 28, और 28 प्लस 16, है ना। तो आप क्या कर लेना, 28 प्लस 16, 8 × 6 = 14, 2 × 3 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 44 आपका आ जाएगा वैल्यू। यहां मैं रुक के आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात भाइयों। अगर ये 88 आ जाता, अगर ये 88 आ जाता, है ना, ठीक है, अगर ये 88 आ जाता जो कि मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता, लेकिन ये 88 नहीं आ रहा है, 44 आ रहा है, ठीक है। और अपने को पता है कि अपने को मॉलिकुलर मॉलिकुलर फॉर्मूला मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया गया है बोलो, वो हमको 88 प्रोवाइड कराया गया है, बात समझ में आई। तो जो हमारा एन का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहां पे क्या होगा, यहां हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 44 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है ना, जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है,
मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एन टाइम्स होता है किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला का, है ना, होता है, और एन की वैल्यू कितनी है, टू, तो क्या होगा, सी टू एच फोर ओ वन दैट बिकम सी फोर एच एट ओ टू, ठीक है, ये हो जाएगा। इजी था, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, केवल एक एक मेथड समझाने के लिए दिया था और कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, है ना, तो एक इजी क्वेश्चन था। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसके दूसरे मेथड पे हम लोग कैसे और तरीके थे। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, है ना, अब जो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग तो क्या करते हैं, इस वाले टेबल में ये वाला मेथड, ये वाला कॉलम नहीं यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं, डायरेक्टली मोल जो है ना यहीं से निकालते हैं, यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं, इन्हीं से, इन्हीं के रेशियो से निकल आएगा 4.53, 9.01, 2.27, यहीं से रेशियो निकाल के यहां पे जो मोल का रेशियो आएगा, जो मोल का रेशियो होगा वही एटम का रेशियो होगा और उससे निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ओके, इस तरीके से, है ना। एन क्या है, एन जो है ना वो बेसिकली कितने यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करना है, वो आपका एन का वैल्यू होता है, तो वो आपको मिल जाएगा यहां से। ओके, अब एक तरीका और भी है, क्या तरीका है देख लो, एक तरीका और भी हो सकता है आपके लिए, तो एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि आप, आपके पास कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ये सेकेंड मेथड समझा रहा हूं आपको, ये तीन एलिमेंट, तो आप क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि लेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सी एक्स एच वाई ओ जेड, ऐसा कर सकते थे कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या मान लेते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला सी एक्स एच वाई ओ जेड मान लेते हैं, है ना, कंपाउंड का फॉर्मूला सी एक्स एच वाई ओ जेड माना जा सकता है, माना जा सकता है, यस और नो, है ना, तो सी एक्स एच वाई ओ जेड को हम लोग मान सकते हैं, फॉर्मूला मान सकते हैं, ठीक है, गुड, ये माना जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में परसेंटेज का एक फॉर्मूला लिखवाया था, परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था, वो था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर क्या था यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100। तो मैं क्या करता हूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जगह मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन कर देता हूं, समझे, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कर देता हूं। अब कार्बन का नंबर कितना है भाई, एक्स है, एटॉमिक मास कितना है भाई, वो है हमारा 12, मोलर मास कितना है, ये दिया हुआ है मोलर मास क्वेश्चन में, तो आप 88 रख दो, इनटू 100 कर दो, और इसे क्या करो, इसे कार्बन की जो परसेंटेज दी हुई है क्वेश्चन में उसके इक्वल कर दो, कितना था 54.54, इसके बराबर कर दो, समझे। तो यहां पे आपने 88 यूज किया है, इसको सॉल्व कर लो, आपको x का वैल्यू 4 मिल जाएगा, आप सीधा 4 पे पहुंच जाओगे, समझा, समझा। सेम कुछ क्या करो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कर लो, अब हाइड्रोजन एटम कितना है, y है, एटॉमिक कितना 1 है, इनटू 88 होगा, इनटू 100 होगा, ये हो जाता है, तो यहां पे कितना होगा, 9.09 हो जाएगा। यहां से आप y कैलकुलेट करिएगा, y का वैल्यू आप सीधे डायरेक्ट पहुंचोगे कहां पे, 8 पे पहुंचोगे, है ना, इस तरीके से। बस समझ आ रही है। अभी क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे, तो z इंटू क्या करोगे, 16 करोगे, डिवाइड बाय 88 करोगे, इंटू 100 करोगे, ये वैल्यू कितनी है, 36.36, इसके बराबर कर लेना, ठीक है। तो
तो जो जेड का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जेड का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो वन आ जाएगा, सॉरी जेड का टू आएगा। ऐसे करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, सी फोर एच एट ओ टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ सब कुछ तो सही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं ऑल गुड। यस उज्जवल सिंह क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर, आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। यार वीडियो तो क्लियर आनी चाहिए यार, वीडियो में तो इंटरनेट तो उतना ही स्पीड में आ रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें साहब। एक काम करो, तुम दोबारा आ जाओ, मतलब एक बार साइन आउट करके आ जाओ दोबारा से, एक बार रिज्वाइन करो। ओके सर, अभी करता हूँ। हाँ कर लो, तो हो सकता ठीक हो जाए। यस अभी जैन क्या चाहते हो, यस अभी क्या बोल रहे हो बताओ बेटा। अगर आपके पास ऑप्शन है तो कर लेना, क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कर लेना। सब्जेक्टिव में मतलब पहले निकाल, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो कर सकते हैं ना। हाँ ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्टली देखना मॉलिक्यूलर मास मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर मैच कर रहा है फटाफट आंसर आएगा और क्या है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस कौन पूछ रहा है, मैंने बताया बेटा अथर्व, है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस, बताओ इनको अथर्व को क्या होता है अभी, कहाँ गया श्रेयांश। हाँ भाई श्रेयांश सर। हाँ सर, ये दोनों जो मेथड आपने बताया तो सर ये सारे केसेस में दोनों मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ कोई भी यूज करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें आप डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पहुंच जाओगे। आप कोई कह सर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले कैसे पहुंचूंगा, तो अभी तुम लोग क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे पहुंचने के लिए आपने एन से मल्टीप्लाई किया था, बोलो। यस सर। तो आप एन से डिवाइड कर लेना, अब हो सकता है टू से डिवाइड हो, देखो कितना डिवाइड हो रहा है, टू डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ तो टू डिवाइड कर लेना, सी टू एच फोर ओ, यही होगा 100% इंपेरिकल फॉर्मूला, और कुछ हो ही सकता, बोलो। yes, है ना, तो दोनों से कर ले ऐसे, आप उल्टा पहुंच जाना, ऐसे काम कर सकते हो। तो मैं हर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया ना, तो इंपेरिकल फॉर्मूले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्वेश्चन हो गए, कैसे आप ऑक्साइड वगैरह के क्वेश्चन हो गए, कैसे आप फॉर्मूला निकालते हो, वो सब के क्वेश्चन हो गए। चलो अब एक आध क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा अच्छा सा परसेंटेज का एक क्वेश्चन देते हैं और वो क्वेश्चन आपको कराते हैं, देखो आप कैसे अप्रोच करते हो, थोड़ा सा आपको और अच्छा कंसेप्ट समझाते हैं परसेंटेज के बारे में, कि परसेंटेज क्या होता है, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू सीखते हैं, एक न्यूमेरिकल देंगे और उस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज परसेंटेज, है ना, कि क्या परसेंटेज होता है। हाँ जी लिखिए, अ पीस ऑफ, ये क्वेश्चन है देखो जरा इसमें, और इसको सीखने के बाद आप लोग जो है ना काफी अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन, देखो आप। अ पीस ऑफ आयरन, आयरन गेन 16% मास एज सम आयरन गेट रस्टेड टू प्रोड्यूस Fe2O3, वॉट फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन रस्टेड। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट करिए।
चलिए ओके सो वेल विल स्टार्ट द देखो एक बात बताओ यहाँ पे डेटा किसमें निकालना है 16% मास जो है ना बढ़ गया और परसेंटेज सारा कुछ काम परसेंटेज में करना है जब आपको काम परसेंटेज में करना हो तो बाय डिफॉल्ट आप चीजों को 100 मान लिया करो है ना बाय डिफॉल्ट आप 100 मानने में फायदा होता है क्यों आप ऐसे समझ लो जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा लैंग्वेज बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि आप अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो आप अपने मार्क्स का जो परसेंटेज है वो क्यों कैलकुलेट करते हो आप अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों कैलकुलेट करते हो कोई बताएगा टू गेट मार्क्स इन हंड्रेड ये एक तरह एक किसी का आंसर आया अंकित का आया है आप अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो टू नो द एवरेज रिजल्ट नो इट इज नॉट द एवरेज बस टॉपर कौन आता है ये देखने के तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा ना जिसके जिसका जिसका नंबर ज्यादा आएगा वो तो वैसे ही टॉपर है आपसे अगर किसी का नंबर ज्यादा है परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत है परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत है भाई जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसका परसेंटेज ज्यादा आएगा जिसके मार्क्स कम है उसका परसेंटेज कम आएगा परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, है ना परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत है 100 के रिस्पेक्ट में क्या जरूरत है निकालने की चलो बस करो मत लिखो मेरी बात सुनो पता है आप लोग मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो क्योंकि आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता है सुनिए मेरी बात क्योंकि आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता है अगर आपके पेपर का ओवरऑल मार्क्स 100 होता तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी अगर मान लो पेपर 100 मार्क्स का हो और आपके 80 मार्क्स आए तो कितने परसेंट हो गए 80% अपने आप ही आएगा 80% लेकिन पेपर आपका 500 मार्क्स का टोटल होता है कभी 600 का होता है तो इसीलिए अगर आपका पेपर 100 मार्क्स के हो रहे होते तो जो मार्क्स आते वही परसेंटेज होते या सुनो इसीलिए मैं कहता हूं कि 100 मानने में फायदा है क्योंकि 100 मानने में फायदा यही होता है कि जो रिजल्ट आएगा वही परसेंटेज बन जाएगा या जो परसेंटेज उससे आ जाएगा जैसे किसी ने कहा कि उसके 80% मार्क्स आए हैं तो उसके कितने मार्क्स आए 80 है ना लेकिन अगर वही 200 का पेपर होगा तो मार्क्स कितने होंगे 160 लेकिन अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसने कहा मेरे 80% आए हैं तो आपने इजिली प्रिडिक्ट किया रहे हाँ 80 मार्क्स आए होंगे और अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपके 80 मार्क्स आए हैं तो आपने अपने आप समझ लिया कि 80% आया होगा इसीलिए ओवरऑल 100 में काम करना ज्यादा अच्छा रहता है जब भी परसेंटेज वगैरह का इस तरीके के न्यूमेरिकल हो जहां पे परसेंटेज का डेटा हो वहां पे ओवरऑल मार्क्स जो है ना 100 मानने में फायदा होगा है ना कैसे होगा देखो तो हम लोग क्या करते हैं इसके क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं लेट द मास ऑफ आयरन रॉड इक्वल टू 100 ग्राम ठीक है तो जो मास होगा उसको कितना मान लेते हैं उसको हम लोग 100 ग्राम मान लेते हैं ठीक है यहाँ पे 1600 ग्राम आयरन रॉड लिखा है रॉड आयरन रॉड ROD है ना आयरन रॉड जो है ना वो या कोई भी आयरन का जो टुकड़ा है ठीक है वो होगा तो एक आयरन की टुकड़ा है उसका हमने मास कितना मान लिया ये मास कितना मान लिया इस आयरन के टुकड़े का बोलो इसका मास कितना मान लिया हमने इसका मास हमारा है 100 ग्राम के बराबर अब इसमें होती रस्टिंग होगी तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा है ना ये पार्ट जो होगा रस्ट में चला गया मान लो और रस्टिंग के समय कौन सा सब्सटेंस बन रहा है बोलो वो बन रहा है Fe2O3 ये बन रहा है रस्टिंग से है ना आयरन क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेता है ठीक है तो अब रस्टिंग से कितने परसेंट मास गेन होता है रस्टिंग से कितने परसेंट मास गेन होता है बढ़ता है मास कितने परसेंट मास बढ़ता है कितने परसेंट बढ़ रहा है 16% बढ़ रहा है तो 16% में हाउ मेनी ग्राम इट इज इंक्रीज्ड 16 ग्राम इट इज इंक्रीज बिकॉज वी आर डीलिंग विद द 100 ग्राम टोटल 100 था तो 16% को 16 ग्राम मानने में कितना आसान हो गया देखो
है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 100 में काम करो। यहाँ किसी ने रोका थोड़ी ना, किसी ने कहा थोड़ी ना कि पीस ऑफ आयरन कितना या पीस ऑफ आयरन जो है ना वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन पीस लिख देते हैं रॉड की जगह पे, आयरन पीस कर दीजिए, या अगर रॉड भी लिख लिया तो इश्यू नहीं है, है ना। ठीक है, तो आयरन पीस जो होगा वो इस तरीके से ये रखा हुआ है ना, तो आयरन पीस जो है ना ये आगा ना। अभी इसमें क्या होगा कि Fe2O3 जो है ना वो क्या करेगा, Fe2O3 जो बना है, क्या मैं कह सकता हूं कि Fe2O3 जो बना है वो 16 ग्राम बना है? नहीं, 16 ग्राम टोटल नहीं होगा, जो मास गेन हुआ है ना, जो मास गेन हुआ है, मास गेन बाय आयरन, तो आयरन का मास कितना गेन करेगा बोलो, वो 16 ग्राम गेन करेगा, और 16 ग्राम गेन करेगा। और आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि Fe2O3 के जो मोल हैं, लेट द मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड जो है ना वो ए मोल मान लीजिए, तो आपके पास जो Fe2O3 है वो कितना है, ए मोल है। इस ए मोल में ओ एटम कितना हो जाएगा बोलो, ए मोल में ओ एटम कितना हो जाएगा, ए मोल में ओ एटम कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा 3A मोल। क्योंकि मेरा ये मानना है, आप इस बात से सहमत होगे कि जो भी मास यहां पे इंक्रीज होगा वो बिकॉज ऑफ दिस ओ एटम इंक्रीज होगा। आयरन तो जैसा था वैसे यहां पड़ा हुआ है, वो तो इसी टुकड़े का पार्ट था, वो तो इसी आयरन पीस का पार्ट था, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस आया है वो ऑक्सीजन आया है। तो जो 16 ग्राम जो आपने कहा है ना, मास ऑफ आयरन जो है दिख रहा है ना, द मास गेन बाई आयरन जो है ना कितना, 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन एटम से आएगा। या सुनो, हाँ, एक में कितने मोल है, 3, तो ए में कितने होंगे, 3A, एक में 3 है, 2 में 6 होंगे, तो ए में कितने होंगे, 3A हो जाएंगे, है ना। 3A मोल कौन होगा, आयरन होगा, सो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बोलो, मास ऑफ ओ एटम कितना आ जाएगा बोलो, वो होगा 3A मोल को 16 से मल्टीप्लाई करना, ये ग्राम में आ जाएगा। या सुनो, आ जाएगा, हाँ बोलो। तो इसको ही तो हमें किसके बराबर करना चाहिए, 16 ग्राम के बराबर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ। जो मास ऑफ ऑक्सीजन आया है वही तो मास ऑफ गेन है 16 ग्राम, तो यहां 16 से 16 कैंसिल होता है और हमारा जो ए का वैल्यू निकल के आता है ना, ए का वैल्यू जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 1/3 मोल। अब ये जो 1/3 मोल है वो किसके मोल हो गए, वो हो गए Fe2O3 के। इस Fe2O3 में जो Fe एटम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वो आयरन है जिसने रस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, ये वो आयरन है जिसने रस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो मोल्स ऑफ Fe क्या होंगे, वो हो जाएंगे 2/3 मोल। एग्रीड, एक में 2, 2 में 4, 1/3 में 2/3 मोल ऑफ Fe। तो भाई जरा मास ऑफ Fe2O3 निकाल दो, मास निकालो Fe का, तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 56, तो ये हो जाएगा 112/3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। समझ नहीं आया, फिर से समझो। मैंने आयरन पीस का मास कितना माना, मैंने आयरन पीस का मास माना 100 ग्राम, रस्टिंग जंग लगने के बाद, रस्टिंग के बाद उसका मास कितना हो गया, 16 ग्राम बढ़ जाता है, गेन आयरन गेन मास 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो मास गेन करेगा तो आयरन पीस का मास हो जाएगा 116 ग्राम। कुल मिला के ये समझना है कि जो 16 ग्राम जो एक्स्ट्रा मास जो उसने गेन किया है वो किसकी वजह से आया है, ये मेन क्लू है। तो वो समझ में आएगा कि यार ये ओ एटम की, जो आयरन जो जैसा था वो तो इसी टुकड़े का पार्ट है, Fe जैसा यहां वैसा यहां है, यहां भी तो Fe है, बस ये वाला Fe क्या कर, रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये रिएक्ट कर चुका है ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है उसी ने रस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है,
हमको निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन रस्टेड, कि आयरन का वो कौन सा पार्ट है जो रस्ट हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। ये वाला जो आयरन दिख रहा है आपको, ये रस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वाले आयरन ने रस्टिंग में पार्टिसिपेट किया और वो एटम से कंबाइन कर गया, तो एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन एटम ले ली उसने, ऑक्सीजन की जब एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन एटम जब ले लेगा तो मास बढ़ेगा। सवाल उठता कितना मास बढ़ेगा, तो क्वेश्चन में कह रहा 16% बढ़ेगा। हम 100 के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो हमने कहा भाई मास गेन बाय आयरन 16 ग्राम होना चाहिए। ये 16 ग्राम मास किसका होना चाहिए, ओ एटम का ही होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ओ एटम यहां कितना है, तो जब ओ एटम यहां कितना हो पता चले, ओ एटम कितना है, तो ओ एटम जब पता चले तो हमने कहा भाई इसके हम मोल मान लेते हैं, किसके Fe2O3 के मोल, हमने ए मान लिए, तो वहां से हमको ए ओ एटम के मोल मिले और ओ एटम के मोल से हमने ओ एटम का मास निकाला। ठीक है, मास निकाल के जो क्वेश्चन में जो मास था 16 ग्राम उसके बराबर किया, यहां से हमको क्या मिला, ए का वैल्यू मिला। ए किसके मोल थे, ए मोल थे किसके, Fe2O3 के, वो हमने कहा भाई ए का वैल्यू 1/3 मोल आ गया है तो Fe2O3 का मोल भी 1/3 मोल आना चाहिए। अब Fe2O3 में जो आयरन आपको दिख रहा है वो आयरन एटम जो है ना वो ऑक्सीडाइज होके पहुंचा है वहां पे, तो दैट बिकम 2/3 मोल, है ना, वो 1/3 से क्या होगा 2/3 मोल हो गया Fe, उसी का मास निकाला। अब जितना मास Fe का निकल के आया वो कितना निकल के आया, 37.3 ग्राम निकल के आएगा, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द 100 ग्राम इसके से कर रहे हैं तो 37.3% अपने आप हो जाएगा, है ना। मास लॉस नहीं होगा क्या सर जी, मास क्यों लॉस होगा, श्रेयांश क्या पूछना चाह रहे हो? हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से आप कर लें, लेट अ मोल से समझा दें भाई। मैंने यहां पे क्या किया है, है ना, मैंने यहाँ पे इसका ए मोल माना हुआ है, इसका ए मोल माना हुआ है Fe2O3 का, Fe2O3 का जो ए मोल माना है वो इसलिए माना कि मुझे पता नहीं यार ये Fe2O3 कितना बना है, और मेरा मकसद ये है कि मुझे ये जानना है कि इस Fe2O3 में कितना ओ एटम आया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो 16 ग्राम बढ़ रहा है ना वो इसी ओ एटम की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानना जरूरी है कितना बना है, और मुझे पता तो था नहीं तो मैंने मोल मान लिए, मोल माने तो मैंने वहां से ऑक्सीजन एटम के मोल निकाल लिए, ऑक्सीजन एटम 3 मोल होगा कि नहीं होगा, है ना, ऑक्सीजन एटम 3 मोल होगा या नहीं होगा बोलो, तो 3 मोल होगा तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे कर लो 3 मोल को मैं 16 से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ ओ एटम आ गया, और जो मुझे पता था कि ये 16 ग्राम जो लिखा है वो किसका होगा, मास गेन बाय आयरन जो 16 ग्राम होगा यही मास किसका होगा, यही मास होगा मास ऑफ ओ एटम इन Fe2O3, ऐसे लिख लो मास ऑफ ओ एटम इन Fe2O3, ये हो जाएगा, तो मैंने बराबर किया, ए का वैल्यू आ गया 1/3, तो Fe2O3 के मोल्स आ गए। अब Fe2O3 में जितना Fe प्रेजेंट दिख रहा है ना, ये वाला जो मैं सर्किल किया है, ये वो Fe है जिसने रस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने उसका मोल पता किया तो भाई तुम कितने मोल हो, तो पता लगा 2/3 मोल है Fe जिसने रस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने उसका मास निकाला तो आ गया 112/3 ग्राम आ गया। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.3 ग्राम हो जाएगा, लेकिन मुझे ग्राम में आंसर नहीं देना, मुझे परसेंटेज में आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किसके रिस्पेक्ट में काम किया है, 100 के रिस्पेक्ट में, जैसे आपका 100 का जब पेपर था और आपके 80 मार्क्स आए थे तो आपने कहा 80% मार्क्स आए हैं, वैसे ही मैं कह रहा हूं मैं 100 लेके काम कर रहा हूं, तो 37.3 ग्राम जो होगा वो वास्तव में 37.3% ही होगा, वही चीज है यहां पे। कुछ परसेंटेज का फील आया, कुछ परसेंटेज का फील आया या नहीं आया, है ना, इस तरीके से, ठीक, आ गया बात समझ में। अब इसका एक मेथड समझ में आ गया। अब इसका दूसरा मेथड सुनो, अब इसका और अच्छे से और फटाफट जो स्टूडेंट करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, मोल को जानते हैं, समझते हैं, उनको बिल्कुल सब कुछ जब समझ में आता है, है ना, और जो खासकर मेरे जो स्टूडेंट है उन्हें तो बहुत अच्छा एकदम दिखाई, क्वेश्चन पढ़ने से पहले दिखने लगता है सोल्यूशन, है ना, कैसे दिखता है देखो बताते हैं, वो उनको ये समझ में आता है कि रस्टिंग में कौन आया होगा, रस्टिंग में किसके लिए आया होगा, अभी भी बाकी लोगों का मोल्स ऑफ Fe कैसे लीक किया, मोल्स ऑफ Fe एक में दो है तो 1/3 में 2/3 हो जाएंगे और क्या है, ठीक है, तो रस्टिंग में कौन होगा, रस्टिंग में कौन आएगा, रस्टिंग में Fe2O3 का ही रोल है,
है ना, इसी का रोल है। और इसमें जो मास इंक्रीज हुआ है वो एटम की वजह से हुआ है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो यार कि जो Fe2O3 बन रहा है, इस Fe2O3 में Fe और O के मोल कितने कितने हैं, Fe के मोल कितने हैं, Fe के मोल कितने हैं, इसके जब 2 मोल होंगे तो इसके 3 मोल होंगे, या सुनो सही है नहीं है? हाँ भाई, Fe के एटम का जो रेशियो है ना, Fe के एटम का रेशियो ये है Fe2O3 में, ये एटम का रेशियो है। और अपनी क्लास में डिसाइड हो चुका है कि एटम का रेशियो किसके बराबर होता है, एक कंपाउंड में एटम का रेशियो किसके बराबर होता है ना? मुझे अनम्यूट कीजिए दिवाकर, क्या हुआ दिवाकर बोलो। सर सर ये ओ एटम 3 मोल कैसे आया? अरे यार बेटा, एक में कितने एटम दिख रहे हैं? 3। दो में कितने होंगे? 6। 6 में कितने होंगे? 12। 6 में कितने? 18। ए में कितने होंगे? 3। अरे तुमको अंक गणित नहीं आती है, है ना? अरिथमेटिक मोल कंसर्न में ज्यादा तो अरिथमेटिक है ना? तो आ गया समझ में दिवाकर? यस सर। आ गया ना? तो अब माइक बंद कर लो, बाकी लोग भी बंद कर लें। हाँ, सेकेंड मेथड रिपीट, ये सेकेंड मेथड कर रहा हूँ भाई। अब सेकेंड मेथड देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा यार ये क्या हो गया, ये तो आंसर ही आ गया है ना। तो मास आप कितना मान के चलोगे, 100 ग्राम मान लेना बस, और कुछ मत करना। और आपको एटम का रेशियो कितना दिख रहा है यहाँ पे, एटम रेशियो कितना दिखाई दे रहा है? 2:3। तो मोल रेशियो कितना दिखाई देगा? इसका 2 मोल होगा, इसका कितना होगा उस समय? 3 मोल होगा। 2 मोल Fe का मास कितना होगा? 2 मोल Fe का मास कितना होगा? 2 मोल Fe का मास कितना होगा? 112 ग्राम। और 3 मोल O एटम का मास कितना होगा? 48 ग्राम। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम अगर होगा Fe2O3 में, सुनना 48 ग्राम जब ऑक्सीजन एटम होगा Fe2O3 में, तो 112 ग्राम Fe से वो कंबाइन करेगा, मतलब जो मेटालिक रॉड होगी ना Fe की, उससे 112 ग्राम को निकाल लेगा, कहेगा तुम मेरे साथ कंबाइन कर जाओ। लेकिन उसके एवज में क्या होगा, इस रॉड को क्या मिलेगा, 48 ग्राम F क्या मिलेगा, O एटम मिल जाएगा। तो रॉड का मास कितना बढ़ जाएगा, 48 ग्राम बढ़ जाएगा। लेकिन रॉड का मास 48 ग्राम नहीं बढ़ रहा क्वेश्चन में, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 16 ग्राम बढ़ रहा है। तो 16 ग्राम को अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए केबल रॉड पे, तो फिर आपको रॉड से Fe कितना देना पड़ेगा, रॉड से Fe कितना देना पड़ेगा, 48 के लिए 112 लगता है, 16 के लिए कितना लगेगा, 48 के लिए 112 लगता है, 16 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 112/3 ग्राम। ये देखो और ये देखो, सेम आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इतने ग्राम जो आयरन होगा उस इस रॉड में, 112/3 ग्राम आयरन ने क्या किया होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्या किया होगा, कंबाइन किया होगा, है ना? ये मैं समझा रहा था। तो आपको आपको पता चल जाएगा कि 112/3 ग्राम Fe इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू Fe2O3। जितना Fe यहां गया है उसी ने आयरन में पार्टिसिपेट, अरस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसी का मास जो होगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, फिर रिपीट करूं, फिर से सुन लो, है ना? मैं ये समझा रहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई एटम का रेशियो क्या था, एटम का रेशियो 2:3 था, है ना? एटम का रेशियो कितना था, वो 2:3 था।
तो मोल का रेशियो भी कितना होगा, 2:3 होगा, है ना। ठीक है, एक मिनट मुझे गिव मी 1 मिनट, है ना। हाँ, तो एटम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, वो 2:3 होता है ना। तो मोल का रेशियो भी 2:3 होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2 मोल Fe तभी कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ जब उसे 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन तभी Fe से कंबाइन करेगा जब उसे 2 मोल Fe मिलेगा। तो 3 मोल का 48 ग्राम हो गया और ये 112 ग्राम हो गया, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आयरन रॉड है 100 ग्राम का था, अगर मुझे इसमें 112 ग्राम जब तक मैं Fe कंबाइन नहीं कराऊंगा 48 ग्राम ऑक्सीजन से, तब तक Fe2O3 नहीं बनेगा 1 मोल। तो अगर 112 ग्राम आयरन निकल के 48 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ Fe2O3। लेकिन उसके लिए क्या होगा, इस रॉड पे 48 ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगी, लेकिन इस रॉड पे 48 ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं आ रही है, 16 ग्राम ऑक्सीजन आ रही है। तो 16 ग्राम के लिए मैंने कहा, 48 ग्राम के लिए अगर ऐसे समझो कि 48 ग्राम ओ के लिए 112 ग्राम अगर Fe चाहिए तो 16 ग्राम ओ के लिए कितना चाहिए, 112 डिवाइड बाई 48 × 16 कितना हो जाएगा, 112/3 ग्राम। ये है, ऐसे करना है, गॉट इट। अब इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, तो अगर कभी दिक्कत आए तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा, कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा काम जो है ना आप इस तरीके से करोगे, गॉट इट, है ना। तो ये है सब चीजें, मतलब जब आप सब कुछ समझ लेते हो ना, उसके बाद जब आप चीजों को वेरिएशन में जाते हो तब, है ना। अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं परसेंटेज पढ़ा था और डायरेक्टली यही क्वेश्चन करा था तो खत्म ही हो जाता। जो समझाया ना पहले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, एक वो SO2 वाला क्वेश्चन कराया, फिर एक MO2 वाला क्वेश्चन कराया, फिर एक MO3 वाला क्वेश्चन कराया, फिर अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कराया। अब इतना मतलब परसेंटेज जब ठीक ठाक समझा दिया कि लगा कि अब ठीक है, अब अपन एक ऐसे क्वेश्चन पे आए जहां पे अपन के पास स्कोप था कई सारा वेरिएशन करने का, वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, आ गया समझ में, ओके। चलिए तो ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, है ना, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें और नेक्स्ट उस पे जाते हैं। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और वो था कि एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक क्वेश्चन था फाइंड, आपको नोट नहीं करना है, फाइंड अभी नोट नहीं करना है, फाइंड मास ऑफ ईच एलिमेंट, अभी नोट नहीं करना, एलिमेंट इन 100 ग्राम Fe2SO4 होल थ्राइस। ये क्वेश्चन अपनी क्लास में हुआ था, सबको याद है, ये क्वेश्चन याद है सबको, ये क्वेश्चन अपनी क्लास में हुआ था, याद है सबको, याद है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट इन 40% प्योर Fe2SO4 होल थ्राइस, करिए। हाँ, अब लिख लो, अब लिख लो इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में किस चीज का डेटा अवेलेबल है, क्वेश्चन में किस चीज का डेटा अवेलेबल है, केवल केवल परसेंटेज का डेटा अवेलेबल है। तो और ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है 40% प्योर, इसको कैसे डिकोड करोगे, इसको कैसे डिकोड करोगे 40% प्योर Fe2SO3। तो इसका मतलब है हमें सैंपल का मास कितना मानना चाहिए, हाँ हमें मास ऑफ द सैंपल कितना मानना चाहिए, मास ऑफ द सैंपल कितना मानना चाहिए, बोलो, ये मानना चाहिए 100 ग्राम। तो क्या होगा, मास ऑफ द प्योर
Fe2SO4 होल थाइस कितना आएगा? 40 ग्राम ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस कितना आएगा? 400 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ प्योर Fe2SO4 होल थ्राइस कितना आएगा? 40 / 400, 40 ग्राम ग्राम पर मोल, दैट बिकम 0.1 मोल। सो यू आर हैविंग 0.1, एक्चुअली 100 ग्राम जो था ना, 100 ग्राम के दो पार्ट हैं, एक 40 ग्राम एक 60 ग्राम। ठीक है, ये इंप्योरिटी है, ये इंप्योरिटी है, यहां आपको नहीं मिलेगा, यहां आपको Fe2SO4 होल थ्राइस नहीं है, इस वाले पार्ट में आपको Fe नहीं मिलेगा, इस वाले पार्ट में आपको सल्फर नहीं मिलेगा, इस वाले पार्ट में आपको O नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इसी वाले पार्ट में। इसके दो पार्ट हैं, 40 प्लस 60 100 हो रहा है, 60 में कुछ नहीं है आपके पास, जो कुछ है 40 में है, समझे? इसी 40 पे काम करो, इसी 40 पे काम करो, 40 ग्राम था प्योर, कितना मिला? 0.1 मोल। वंस यू गेट द मोल, तो आपको क्या होगा, जैसे आपको मोल मिले, समझे, बस हो गया काम। अगर मेरे पास Fe2SO4 होल थ्राइस का मेरे पास 0.1 मोल है, तो मेरे पास Fe कितने मोल होगा, मेरे पास सल्फर कितने मोल होगा, मेरे पास O एटम कितने मोल होगा, बता सकते हैं आप लोग? Fe कितने मोल होगा, बोलो बोलो कितने होगा, Fe का मोल बताओ, मोल बताओ Fe का, 0.1, वेरी गुड। सल्फर का बताओ, सल्फर का बताओ, सल्फर का बताओ, 0.3 मोल, वेरी गुड। O का बताओ, O एटम का, हाँ 1.2 मोल, ये 12 O एटम है, एक में 12 में 0.1 में 1.2 मोल हो जाएंगे, 1.2 मोल। ठीक है, यस Fe का 0.2 होगा, बिल्कुल सही, मैं गलती से लिख गया है ना। ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। अब इसका मास निकाल लो, क्या आएगा, 0.2 × 56, 0.3 × कितना हो जाएगा, 0.3 × 32 और 1.2 × 16, That become 11.2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9.6 ग्राम, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 32 और 100 में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? और अगर मैं परसेंटेज पूछता तो, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप परसेंटेज बता दो, परसेंटेज बता दो Fe का, परसेंटेज सल्फर का, तो कितना कितना बताओगे? कितना कितना बताने वाले हो? ये जो मास निकले हैं, ये जो मास निकले, आउट ऑफ कितना निकला है, आउट ऑफ कितना निकला है, आउट ऑफ कितना लिखना है, कंपाउंड के मोल से एलिमेंट के मोल कैसे निकाले, ये तो यार मैं पढ़ा चुका हूं मोनू भाई, है ना, लेक्चर देखो आप, मैं कंपाउंड के मोल से कैसे निकाले मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं ना कि कैसे वन में टू है तो वन मोल में टू मोल होगा, पॉइंट टू में पॉइंट टू, पॉइंट वन में पॉइंट टू मोल होगा, वन में थ्री है तो वन मोल में थ्री मोल होगा, पॉइंट वन में पॉइंट थ्री मोल होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। ठीक है, तो नो, ये जो कह रहा है हर्ष, मैंने इसीलिए पूछा है आपसे, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं पूछा था,
आप वास्तव में किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं? आप काम तो अभी भी 100 के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर ये 100 नहीं होता तो ये 40 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये 100 नहीं होगा तो ये 40 नहीं होगा, तो आप इसमें काम कर रहे हो, इस ध्यान रखना। इसीलिए आपका 11.2 ग्राम जो आ रहा है ना, ये वास्तव में क्या बन जाएगा, ये 11.2% बन जाएगा। ये जो आपको 9.6 आ रहा है ना, ये 9.6% बन जाएगा। ये जो 19.2 आ रहा है ना, ये 19.2% बन जाएगा। फील आया? गड़बड़ नहीं करना, परसेंटेज जो है ना, मैं बता रहा हूं, परसेंटेज डेंसिटी इन सब का डेटा दे दो ना क्वेश्चन में, 99% गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एकदम 100% डीप रूटेड कर रहा हूँ, बिल्कुल डीपली लेके जा रहा हूँ। शुरुआत बिल्कुल ऐसे की थी जैसे एकदम एलिमेंट्री से की थी मैंने परसेंटेज, मतलब जस्ट मैं यहाँ से शुरू किया था कि भाई देखो परसेंटेज का सिंबल जो है ना वो ऐसे बन जाता है। ये जो परसेंटेज का जो ये वाला है, ये वन है, ये वन यहाँ हो गया, ये दो जीरो ये है, ये दो जीरो ये हो गए। यहाँ से अपनी क्लास में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 56 मल्टीप्लाई क्यों किया? 56 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये मोल निकले हैं, ये हमने मास बनाया है। यहाँ पूछा था फाइंड मास इसलिए है ना, हिमेश, ठीक है। 0.1 या 0.2, 0.2 होगा यहाँ पे, इस जगह पे 0.2, यहाँ 0.1 होगा क्योंकि ये 40/400 है, तो 0.1 मोल आएगा, इस तरीके से बनेगा। कर सकते हो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बाद समझ में नहीं आया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो था वो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, पता ही आपको, मैंने पहले बता रखा है। फिर मैंने मोल बनाए, मोल बनाने के बाद मैंने, मेरे को पता चल गया कि मेरे पास दो टुकड़ों में सब्सटेंस है। मैंने कहा मेरे पास 40 ग्राम और 60 ग्राम, 60 ग्राम में मेरे पास क्या है, इम्प्योरिटी है, और इसमें मेरे पास क्या है, Fe2SO4 होल थ्राइस है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 60 ग्राम की चिंता करना बंद कर दिया, मेरा पूरा फोकस किसके पे आ गया, 40 ग्राम पर आ गया। अब मुझे अगर मास दे दिया जाए, किसी भी कंपाउंड का मास दे दिया जाए, तो मैं उसके एलिमेंट का मास भी पता कर लूंगा, है ना। ये 40 ग्राम कैसे बना होगा, Fe सल्फर ओ से ही तो मिलके बना होगा ना। तो मेरे पास ये 40 ग्राम जो आया, उस 40 ग्राम को मैंने क्या किया, उस 40 ग्राम को मैंने मोल में बदला, तो मेरा 0.1 मोल आया। 0.1 मोल के थ्रू मैंने Fe सल्फर और ओ एटम, इनके बोला ना मास ऑफ ईच एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट का मास निकाला, मोल निकाला, मोल के बाद मास निकाला, जो मास निकला वही परसेंटेज बन गया। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम, तो हाँ वही बन जाएगा। ओके रूपक, ये सर ये डायरेक्टली कर सकते थे 400 से, बिल्कुल, है ना। यार 56 बेटा, ये Fe का एटॉमिक मास है 56, ये सल्फर का 32 है और ये ओ एटम का 16 है। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आपको एटॉमिक मासेस भी क्लिक नहीं करते हैं, ये 56 क्या लिखा हुआ है, 632 क्या लिखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मोल से ग्राम पे आ रहा नहीं आ रहा हूं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, इसका मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो। बिना मोल निकाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब पुराने लेक्चर प्रोवाइड नहीं करा, तो मेरे पास जो है ना वो यूट्यूब पे मैंने डाल दिए हैं, मेरे पास जो था मैंने दे दिया है, अब पुराना नहीं है तो क्या करें, ना है ना। पुराने लेक्चर जो है ना वो मैं देखता हूं, मैं कर देता हूं, प्लेलिस्ट पे बना देता हूं। मैंने दो लेक्चर वहां भी डाल दिए थे, शुरुआत वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए थे, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए थे। अब मैं इसका सेकेंड मेथड भी समझा देता हूँ, देख लो, सेकेंड मेथड भी समझा देता हूँ। सेकेंड मेथड भी समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे करोगे, गिव मी वन मिनट, मैं सेकेंड, हाँ इंटू ग्राम किया है, वही है, इंटू का ग्राम में, इंटू जो किया है ग्राम में लाने के लिए किया है दिवाकर, ठीक है।
होमवर्क मैं नेक्स्ट क्लास से दूंगा प्रशांत ठाकुर। प्रशांत ठाकुर ऊपर आ जाओ, कहाँ दिख नहीं रहा तुम्हारा प्रशांत, आप भी वो करो तो हैंड रेस तो करो, तब तो अनम्यूट करूंगा। यस प्रशांत बोलो। प्रशांत अनम्यूट करो अपने आप को जल्दी से। हेलो सर। हाँ बोलो प्रशांत। सर मैं ये बोल रहा था कि जो सर एफई का एटॉमिक मास 56 है, तो एफई के टू एलिमेंट्स है ना, तो उसे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? एफई के टू एलिमेंट्स हैं सर कंपाउंड में, तो उसे मल्टीप्लाई नहीं होगा? अरे बेवकूफ, यहाँ पे ये जो टू था ना उसी के वजह से यहाँ पे आ गया ना 0.2। ये मोल एफई का है कि दो एफई का है, ये वाला मोल जो है प्रशांत एफई का, तो एफई का तो एफई से मल्टीप्लाई करोगे कि टू एफई से मल्टीप्लाई करोगे? समझ गया सर। समझ गया ना? हाँ बोल। ठीक है कोई बात नहीं, डांट खा ले लेकिन पूछ ले, है ना? डांटूंगा लेकिन बता दूंगा, है ना? ये ध्यान रख, डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और बताओ एरिन का क्या डाउट है? एरिन विशाल क्या डाउट है जल्दी बोलो। कहाँ मिलेगी? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ विशाल बोलो। सर ये जो अंतिम पद अंतिम में फेरम सल्फर और ऑक्सीजन तीनों का सर ग्राम अगर जोड़ा जाए तो वही 40 ग्राम आ जाता है, तो आएगा ही ना 40 ग्राम है, 40 ग्राम ही तो प्योर है, 60 क्यों आएगा? हाँ 40 तो आएगा। हाँ सर तो वही पूछा था। हाँ, अंतिम में से वही 40% 40 ग्राम होगा। हाँ वही से आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ ओके सर। सर रेजो सर पे डीपी भी नहीं खुल रही है। अरे यार वो उनसे बात करो, मैं देखता नहीं हूँ रेजो सर, टेक्निकल प्रॉब्लम उनसे बात करो, सब्जेक्ट की बात मेरे से करो, है ना? उधर फोन okay. करो, है ना? यहाँ तुमको दिक्कत आ रहा है? हाँ नहीं यहाँ तो नहीं। हेलो। हाँ बोल। है ना नितेश? अरे यार ये 0.1 मोल से भाई मेरे यहाँ से एफई के मोल्स आ जाएंगे, इनके आएंगे, इनके मास निकाल लो। अब तुम वो देखना, रिकॉर्डिंग देखना इसकी यूट्यूब पे, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखना फिर दोबारा डिस्कस करो। सेकंड मेथड सुनो, टाइम खत्म हो रहा है। सेकंड मेथड सुनो, अब सेकंड मेथड ये था कि स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या सीखेगा, कहेगा यार 100 ग्राम मान लेगा, मान लेगा, है ना? ठीक है, ये कौन सा बैच है? ये 11th का बैच है, है ना? ये 11th का बैच है। तो यहां पर जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, है ना, इसका कितना परसेंटेज दिया था मैंने? ये Fe2SO4 होल थ्राइस था, इसका ये 40% दिया है मैंने, ठीक है? ये था। तो आपने मास कितना ले लिया? आपने कहा सर 100 ग्राम ले लेता हूं, तो प्योर कितना मिल जाएगा बोलो? 40 ग्राम मिल जाएगा। या सुनो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ ठीक है। और आपको ये याद था कि यार इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो होता है 400 ग्राम। तो ये 400 ग्राम कैसे बनता था? 400 ग्राम ऐसे बनता था Fe सल्फर O एटम, ये ऐसे बनता था 2 × 56, 3 × 96, 12 × 16, ऐसे बन रहा था ना बोलो? यही बन रहा था। हाँ तो ये आपका कितना था? ये जो बन रहा था 12 × 16 वाला जो पार्ट था, इस तरीके से बनेगा, है ना? तो इसको इसके थ्रू जो है आप क्या कर लोगे, ये वाला करो, तो ये कितना आ गया आपका, ये बताओ? ये आ गया आपका 112, है ना? और ये कितना आ जाती 18, ये आ जाएगा 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 = 16 × 16 =
अरे यार उल्टा लिख गया गड़बड़। अरे यार यहाँ पे ये ठीक है, अब ठीक है, अब सही है सब, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है अंकित, है ना, अभी ठीक है ना। ओके अब मैं ये कब, ये डेटा कब आ रहा है आपके पास, ये डेटा कब आ रहा है, ये डेटा कब आ रहा है,
जब 400 है तो ये 112 है, ये है, ये है, और तुम्हारे पास जब आपके पास 40 ग्राम प्योर है तब क्या होगा, तो क्या होगा 112 डिवाइड बाय 400 इंटू 40, 96 डिवाइड बाय 400 इंटू 40, 192 डिवाइड बाय 400 इंटू 40, ठीक है। ये देखो आराम से कैंसिल हो रहा है, एक जीरो, तो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, हो गया, आ गया आंसर, सेम आंसर आ गया, आया कि नहीं आया, सेकंड मेथड समझ में आया कि नहीं आया, जिसको इसको समझ में आया वो यस लिखे फटाफट जल्दी से, नोमान में डाउट लेता हूं अभी तुम्हारा, सेकंड मेथड समझ में आया कि नहीं आया, सेकंड मेथड समझ में आया या नहीं आया, यस नुमान बोलो क्या हुआ। हेलो सर। हाँ बोलो सर, इसमें सर अगर वन मोल का सर 400 ग्राम होगा क्या सर, अगर Fe2SO4 300 ग्राम में सर, अगर जब 400 ग्राम होगा तब भी तो सर ये होगा 2 × 56 3 × 32 12 × 16। अगर आपने कितना ले लिया, 200 ग्राम सर, अगर अगर ये जो आपने नहीं सर, अगर ये 2 × 56 और 3 × 32 और 12 × 16 लिखा है तभी तो होगा जब सैंपल जो 400 ग्राम होगा, जब सैंपल 400 नहीं, जब सैंपल 40, ये तो ये कौन सा, ये वाले की बात कर रहे हो क्या, इसकी इसकी नो सर, ऊपर ऊपर सर, सबसे ऊपर ये तो हाँ, के नीचे लिखा है ये सही है, हाँ इससे हाँ, ऊपर तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो 400 निकालोगे ना, उसमें ये 2 मोल होता है, ये 3 मोल होता है, ये तो होता ही होता है, मोल ही मान के तो काम कर रहे होते हो, 400 वाला डेटा तो फिक्स ही रहेगा क्या, क्या बोल रहे 40% प्योर होगा तो सर 120 ग्राम वाले 40% क्या फिर से बोलो, इसमें सैंपल 40% प्योर होगा, हाँ 40% प्योर है ना, हाँ तो 40% निकालेंगे ना 400 ग्राम का, 400 ग्राम क्यों निकालेंगे, अरे यार 400 ग्राम तो 100% प्योर है बाबा, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, 2 × 56 एस इनका कितना है 3 × 32 × 16, ये जो 400 ग्राम निकाल रहा हूँ ये तो 100% प्योर वाला है, ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो प्योर से ही निकलता है, इसका 40% नहीं करोगे गलत हो जाएगा, लेकिन सर इसका 40% निकालेंगे ना, इसी ये निकाल तो रहा हूँ ना, 400 ग्राम में इतना है तो 40 ग्राम में कितना होगा, 40% तो इसका है, 40% ये 400 ग्राम तो 100% प्योर है समझे, ये भी 100% प्योर है, ये 40 ग्राम भी 100% प्योर है, 400 ग्राम भी 100% प्योर है, ये भी 40 ग्राम भी 100% प्योर है, इसीलिए मोल बनाने के लिए 40/400 किया था यहाँ पे इस मेथड में, ऊपर भी प्योर वाले का मास रखा था 40 ग्राम, नीचे भी प्योर वाले का मास था 400 ग्राम, उससे 0.1 मोल आया था, समझा, ये 400 ग्राम 100% प्योर है, ये पूरा का पूरा Fe2O3 का ही मास है, ये भी ये 60 माना 100 माना था, ये भी प्योर Fe2SO4 का भी मास है, ये है, इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये गलत सोच रहे हो, इसको सोचो ध्यान ध्यान से, श्रेयांश बोलो क्या डाउट है सर, जैसे हमने 100 ग्राम लिया तो सर ये आता है 11.2 9.6 19.2, अगर सर हम ऐसे मास अगर 100 नहीं मानते हम 200 मानते हैं कुछ ऐसे, फिर तो मास अलग अलग आएगा ना, नहीं 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 तू भी परसेंटेज सेम आएगा, परसेंटेज का आंसर तब भी सेम आएगा, परसेंटेज सेम आएगा, हाँ परसेंटेज मास का अलग अलग आएगा, मास की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना, अभी तो अपन ने क्या किया 11.2 ग्राम 100 के रिस्पेक्ट में था तो आपने ये कर दिया, अगर आपने 200 माना होता तो आप पहले 11.2 को 200 से डिवाइड करते इन 200 करते, yes, sir. Yes, sir. इस तरीके वो समझ आ गया सर, हाँ नितेश यादव बोलो, नितेश क्या हुआ, कहाँ हो नितेश, यस बोलो नितेश,
सर वो Fe2SO4 इज इक्वल टू 0.1 मोल है, तो हम लोगों ने आयरन के दो एटम को मल्टीप्लाई क्यों किया? यार Fe2SO4 होल थ्राइस में जब एक में दो है ना, एक में दो हैं, तो एक मोल में दो मोल होंगे, 0.1 में 0.2 मोल होंगे, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। एक Fe2SO4 होल था इसको पानी में घोलोगे या किसी में करोगे तो दो Fe देगा ना। इसमें आया अपनी क्लास में इस समय मान लो 90 स्टूडेंट हैं, सबके सबके दो हाथ है, मान लो तीन फिजिक नहीं है, अब दो स्टूडेंट के कितने हाथ हो जाएंगे, कितने हैंड्स हो जाएंगे? हाँ 90 के इंटू टू करोगे ना 180, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि 0.1 को इंटू टू करोगे तो एफ ही मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नितेश कुमार, यार आज सीट में देख मतलब सीट जो है ना मांगी थी उन लोगों से, पीडीएफ आई नहीं मेरे पास आज, मैंने तो कहा था अब कल से दूंगा, नेक्स्ट क्लास से दूंगा तुम लोगों को, मेरे पास आई नहीं है पीडीएफ है ना, देख लेता हूँ कहीं पुरानी वाली, तो पुरानी तो मेरे पास है लेकिन पुराना वाला तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीट नहीं है भाई अभी, नेक्स्ट क्लास से दूंगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर में ये खत्म हो गया। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर एक परसेंटेज वाला डीपीपी भेजता हूँ, करना उसको। हाँ पिछला वाला भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। बाकी लोग आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन, बाय बाय, समझ में आ गया? टेलीग्राम लिंक भेजू, टेलीग्राम लिंक अभी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं सब लोगों को, तो ज्वाइन करो फटाफट। ये आ गया टेलीग्राम लिंक, एवरीवन पे चला गया, देख लो टेलीग्राम लिंक एवरीवन पे चला गया है ना। हाँ मैं भेज देता हूँ मॉल के भी, है ना, आज भेज दूंगा, आज मॉल के सारे लेक्चर भेज दूंगा, जितने भी हैं सभी भेज दूंगा। ठीक है, दोबारा डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम लिंक पे, है ना, बुक का पीडीएफ मतलब, है ना, बुक का पीडीएफ नहीं मिलेगा, है ना। जो लोग टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो वाईफाई नेटवर्क पे जाएं तो ज्वाइन हो जाएगा, कभी कभी मोबाइल नेटवर्क से प्रॉब्लम आता है। यस, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर दूंगा। ओके बाय बाय, ऑफ कर रहा हूँ क्लास, है ना।